कुछ लोगों के तो बोतलें खुल गई हैं, कह रहे हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सब उतर जाएगी। वो कहते हैं ना कि मतलब जिंदगी इतना मुश्किल कर दो कि आदमी को जीना ही जिंदगी का डेवलपमेंट लगने लग जाए। अब देखते हैं कि भाई आपका काटा कैसे जा रहा है ना, ये देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। या फिर जिनको पता होगा, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शायद सुकून की सांस ली होगी कि यार हमारा कौन सा कट रहा है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बढ़िया साला सरकार बहुत सैलरी दे रही, काट लो थोड़ा और काट लो। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अक्सर इंजीनियरिंग का जो रिक्रूटमेंट होता है वो बल्क अमाउंट में होता नहीं है, और स्पेशली हम लोग पीएसयूज की बात करें और उसमें भी महारत्ना पीएसयूज की बात करें, पर इस बार आपकी किस्मत खुल गई है। अगर आपने गेट 2022 दिया हुआ है तो एनटीपीसी ने निकाला है बल्क अमाउंट में वैकेंसी, और ये वैकेंसी देख के ना भाई कुछ लोगों के तो बोतलें खुल गई हैं, कह रहे हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सब उतर जाएगी। हमने तो आपके आंखों से पिया है, जिंदगी यूं ही नशे में गुजर जाएगी। मतलब अब उनको लग रहा है भाई अब जिंदगी में मजे मजे ही हैं। तो आज हम इसका डिस्कशन तो करेंगे कि भाई बल्क अमाउंट में वैकेंसी आई है, ठीक है आपने गेट 2022 दिया है, वेल एंड गुड, स्कोर अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर दिया है स्कोर अच्छा नहीं आया है, 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई दिल लगा के करिए, अभी और भी वैकेंसीज आएंगी पीएसयूज में अभी, और 2023 के थ्रू बल्क अमाउंट में वैकेंसी आएंगी। आपने देखा ही, सरकार ने अनाउंस किया है भैया कि हम एकदम जम के वैकेंसी निकालने वाले हैं 10 लाख के आसपास, तो सबके हिस्से में कुछ आएगा तो इंजीनियर के हिस्से में भी कुछ आना ही चाहिए। तो हम उसका डिस्कशन करेंगे वैकेंसी के बारे में कि किस रैंक तक आपको बुलाया जा सकता है आप, और ये तो आप लोगों को पहले से भी पता चल गया रहा होगा। और मैंने सोचा कि भाई जब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिस्कशन ये भी करते हैं कि इंजीनियर्स का किस तरीके से काटा जा रहा है। इंजीनियर्स को माना जाता है समझदार प्रजाति, और समझदार प्रजाति का चूतिया काटना उतना ही आसान होता है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंजीनियर्स का काटा जा रहा है, और आवाज तक नहीं आ रही भाई, पूरा कट गया है पर पता नहीं चल रहा है। वो कहते हैं ना कि मतलब जिंदगी इतना मुश्किल कर दो कि आदमी को जीना ही जिंदगी का डेवलपमेंट लगने लग जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, अगर चैनल पे नए आए होंगे तो ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, मेरा ऐप भी है, आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एनटीपीसी का जो वैकेंसी है वो कितना आती थी इससे पहले और अब कितना है, थोड़ा सा आप कंपेरिजन कर लीजिए भाई। मतलब बहुत अच्छे टाइम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या फिर गेट निकला है या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप। इससे पहले ये देखिए वैकेंसी लटकी रहती थी 100 के बीच, 120 के बीच, बहुत आई तो 200 आ गई एक बार, इससे पहले इससे पिछली बार 280 आ गई थी, पर इस बार देखिए भाई सीधा ये 864 पहुंच गई है। और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में भी काफी वैकेंसी आएगी गेट के थ्रू पीएसयूज में, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कशन किया था जब 10 लाख का मैटर डिस्कस कर रहे थे कि भाई हर जगह वैकेंसी आएगी तो इंजीनियर का भी हिस्सा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई आपका काटा कैसे जा रहा है ना, ये देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी अगर रिसर्च करोगे, रिसर्च क्या करना है, मतलब मैं आपको दिखा भी दूंगा इनका नोटिफिकेशन, और केवल इनकी हालत ऐसी नहीं है, सारे पीएसयूज की हालत है। जब हर जगह इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में सैलरी बढ़ रही है, वही इंजीनियर्स की सैलरी घटाई जा रही है। देखिए ये है एनटीपीसी का, मैं दिखा रहा हूं आपको एनटीपीसी 2019, भाई पे स्केल क्या थी, 60,000 से लेके 1,80,000। 2020 एक साल बाद पे स्केल कट करके कितना कर दिया गया, ये बेसिक पे है ध्यान रखिएगा, यहां पे 10,000 का डिफरेंस आपका सीधा वो दोगुने के आसपास पहुंच जाता है, दोगुना ना ही तो डेढ़ गुना तो पहुंच ही जाता है, क्योंकि बाकी अलाउंसेस के कैलकुलेशन यहीं से होते हैं आपके बेसिक पे के हिसाब से। एक साल बाद आपका बेसिक पे 10,000 घटा दिया गया और ये 50,000 से लेके 1,60,000 कर दिया गया, इसको क्या कहेंगे, काटना ही तो कहेंगे। फिर इसके बाद काटा गया, मतलब यही एनटीपीसी है 2021 में एडवर्टीजमेंट निकालती है सैलरी बढ़ना चाहिए, लोगों की सैलरी बढ़ाई जा रही है पर आपकी सैलरी काटी जा रही है, मतलब क्या ही इंसाफ किया जा रहा है आपके साथ, स्पेशली इंजीनियर्स कम्युनिटी के साथ। 40,000 कर दिया गया, मतलब यहां से देखें तो यह सैलरी हो गई आपकी 40,000 से लेके 1,40,000, और अभी भी है एक, मतलब 40,000 से लेके 1,40,000। एक डिस्कशन और हो रहा है जो पीएसयूज के इंजीनियर हैं, मैक्सिमम पीएसयूज में एक मिलता है मिसलेनियस अलाउंसेस, अलग अलग पीएसयूज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैल्यू में बता देता हूं इसका,
2 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास का ये होता है, मतलब इतना पैसा मिलता है कि जो उनको टैक्स लगता है इनकम पे वो वहां से कंपनसेट हो जाता है। अब डिस्कशन किया जा रहा है कि भाई ये मिसलेनियस अलाउंसेस क्यों देना, हम बाकी चीजें दे ही रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, मिसलेनियस अलाउंसेस अलग से क्यों दिया जाए। तो मतलब जब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होती है ना, तो आपको पता है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पीएसयूज में होते हैं ना, उसमें सरकार या पॉलिटिकल पार्टी अपने हाथ भी बिठा देती है। अब बाय रूल तो बैठा नहीं सकते, तो अलग ही टाइप का पोस्ट क्रिएट करते हैं। कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं भाई, जैसे आपने सुना होगा एक बार हो हल्ला मचा था, संबित पात्रा को 2017 में आई थिंक सो बनाया गया था ONGC का नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, NOD बनाया गया था, हो हल्ला मचा, बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब अब वो बेसिकली चेयरमैन है शायद जो हमारा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसमें। तो इस तरीके से जो PSUs होती है ना, उसमें गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता होते हैं दिन भर बैठ के टीवी पे गवर्नमेंट की तारीफ करते रहते हैं भाई, तब उनका इनकम कहां से चले। तो सरकार उनको भी अलग अलग PSUs में नए नए पोस्ट क्रिएट करके वहां पे ठिकाने लगाती रहती है। तो जब इनको सैलरी के बारे में पता चलता है, और मिनिस्टर साहब तो बैठते ही बैठते हैं, जब इन लोगों को सैलरी के बारे में पता चलता है भाई, कहते ये क्यों दे रहे हो। तो एक एनर्जी की कंपनी है, वहां पे बात हो रही थी मेरी, उसमें जो लोग जॉब करते हैं, तो वो कह रहे थे भाई जो मिसलेनियस अलाउंसेस जो वो भी उनको ज्यादा लग रहा है, कह रहे ये मिसलेनियस अलाउंसेस देने की क्या जरूरत है भाई, जब सैलरी दे ही रहे हैं, बाकी अलाउंसेस दे ही रहे हैं, तो फिर मिसलेनियस क्यों दें। मतलब इन शॉर्ट उनके दिल में दर्द हो रहा है कि ये नहीं देना चाहिए, ये काट लेना चाहिए। उनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है उससे दर्द नहीं होता कि भैया कुछ किए धरे नहीं हो, बट क्या क्या चीजें ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये केवल ये नहीं है कि भाई जो 2000 आपका 19 वाली वैकेंसी है और 2022 है, दोनों में जो बेसिक पे का डिफरेंस है ये केवल 20,000 आपको दिख रहा है, ये केवल 20,000 का डिफरेंस नहीं है भैया, ध्यान दीजिए, ये बढ़ के आपका 73,400 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, ये बढ़ के 73,400 हो जाना चाहिए था, पर घट के आपका हो गया 40,000। तो यहां भी आपकी लगी है, मतलब आप देखिए 40-30-70-35,000 रुपए कम हुए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मान लें हम अभी का DA भी कंसीडर कर लें तो भी पर मंथ 50,000 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन पहले हुआ होगा उनसे आपकी सैलरी 50,000, जब वो ज्वाइन करेंगे और आप जब ज्वाइन करोगे उस टाइम पे उनको जो मिल रहा होगा आपको उससे 50,000 कम मिल रहा होगा। और ये केवल 50,000 नहीं है, तब इन्फ्लेशन था 4% के आसपास, आज इन्फ्लेशन है 7% के आसपास, तो 3% ये भी जोड़ लिए, मतलब 55-60,000 रुपए आपके पॉकेट से कट रहे हैं इस तरीके से। और अगर ये काट लिया गया जो मैं मिसलेनियस अलाउंसेस की बात कर रहा हूं, तो ये 15 से लेके 25,000 रुपए और चूना लग जाएगा आपको। मतलब इन शॉर्ट 60 से 70,000 रुपए चूना लगाने के चक्कर में है सरकार आपकी, पर होगा क्या, कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा, या फिर जिनको पता होगा कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शायद सुकून की सांस लिए होंगे कि यार हमारा कौन सा कट रहा है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बढ़िया है साला सरकार बहुत सैलरी दे रही, काट लो थोड़ा और काट लो, ज्यादा सरकारी सरकारी कर रखा है, 40,000-50,000 बेसिक पे देने की जरूरत क्या, इनको 30,000 की बेसिक पे दो। मतलब वो होता है ना कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है और जिसका हुआ उसको थोड़ा कम मिलता है ना, तो अंदर से सुकून भरी आह निकलती है। अगर आप सोच के देखो, इतना पैसा किसी और डिपार्टमेंट में सैलरी किसी और का काटा जाता एक्सेप्ट द इंजीनियर, तो बवाल मचता भाई, पता चलता कि ये स्ट्राइक चल रही है, वो स्ट्राइक चल रही है, पर इंजीनियर क्या करें, मैंने कहा ना वो समझदार होते हैं तो चूतिया काटना थोड़ा आसान होता है। खैर अब इतना कटवा लिए हैं तो अब थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, कटने को तो कट गया। अब ये देखो 2019 का है बेसिकली जो वैकेंसी है उसके रेफरेंस में किस रैंक तक कितने मार्क्स तक बुलाया गया था, ये डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 2022 वाली जो वैकेंसी आई है उसमें किस रैंक तक आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो आपका मन है तो बिल्कुल अप्लाई करें आप, पर हम एक प्रोबेबल डेटा आपको बताएंगे एनालिसिस करके कि इस रैंक के बीच में है अगर आपका रैंक, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी मैकेनिकल की ठीक ठाक है, 95 के आसपास है, बाकियों की भी कुछ ठीक ही है माइनिंग को छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेसिकली रैंक दिया गया है इंडिविजुअल का, इस रैंक तक बेसिकली बुलाया गया है। आपका जो मार्क्स है ना, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि मार्क्स बहुत वेरिएबल होता है, गेट के पेपर पे लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कभी घट जाता है ये कभी बढ़ जाता है,
बट रैंक इंपॉर्टेंट होती है कि किस रैंक तक ये बुला रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे ये इस तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे थे कि आपको 10% इंटरव्यू का, 5% जीडी का, पर अभी तो डायरेक्ट होने वाला है। 2020 का देख लीजिए, बहुत कम वैकेंसी थी यहाँ पे, मतलब बहुत कम या बहुत कम वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बेसिस में आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या कट ऑफ इन्होंने बुलाया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पे मैकेनिकल का है, आप देख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दोनों की सीटें एक साथ आती हैं। अब वो किस तरीके से सीटें डिस्ट्रीब्यूट करके नॉर्मलाइज करके बुलाते हैं, अब वो तो इंटरनल बात हुई, पर आप देख पाओगे एक अनुमान होगा कि आपको कितने रैंक तक बुलाया गया है इन शॉर्ट। फिर इसके बाद ये आपकी 2020 है, 2021 का भी देख लीजिए, मतलब अभी जस्ट पीछे वाला ही। 2021 में ठीक ठाक वैकेंसी थी, मैकेनिकल की 126 वैकेंसी थी, पर अभी की वैकेंसी उससे कई गुना ज्यादा है, मतलब 3 टाइम तो है ही, एटलीस्ट 3 टाइम है इस बार की वैकेंसी पिछली बार से, और पिछली बार भी हर बार से ज्यादा है, ठीक है। इतने में तो टोटल वैकेंसी आती थी, आपने देखा कि 120 110 115 108 इस तरीके से वैकेंसी आई हुई है, तो टोटल वैकेंसी इतना होती थी। तो लास्ट टाइम भी ठीक ठाक वैकेंसी आई थी, और यहाँ पे लास्ट टाइम का आपको कट ऑफ नजर आ रहा है। ये बेसिकली रैंक है इलेक्ट्रिकल का, अलग अलग कैटेगरी का, यहाँ पे आपको रैंक दिख रहा है मैकेनिकल का अलग अलग कैटेगरी का। तो ये कब का है भाई, ये है 2021 का, और अभी जो वैकेंसी आई है वो इससे कई ही ज्यादा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो मैंने ये कैलकुलेशन किया है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला मैंने कि किस हिसाब से, किस रेशियो में, किस एवरेज में ये लोग वैकेंसी के और कैटेगरी वाइज कैसे बुला रहे हैं, उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से नीचे मैंने रैंकिंग मेंशन कर रखा है। ऑब्वियसली एक वो आप कह सकते हो कि प्रोविजनल है, ऐसा नहीं कि वही बुलाया जाएगा, बट प्रोविजनल है कि इतना रैंक तक आप हो तो आपको बुलाया जा सकता है। जो गेट का स्कोर है वो तो मैंने लिखा नहीं है, बस रैंक के आस रैंक मैंने मेंशन किया है, रैंक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो गेट का स्कोर तो ठीक है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था वो इतना आ रहा था, पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है। अगर इस रैंक के बीच में हो आप, तो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपको उस रैंक तक बुलाया जाएगा। अगर आप अप्लीकेशन करते हो इनका, तो आपको बुलाया जा सकता है। सबसे ऊपर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। सिविल और माइनिंग का प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं। इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल गया, और निकाल के जब हर साल का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप निकालोगे, तो आपको देखोगे कि मतलब एक आपको यूनिक सा चीज मिलेगी कि मतलब नियर अबाउट सेम है, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन है पर अराउंड सेम है, तो मोस्ट ऑफ ऑल इस बार का भी उसी के आसपास रहेगा। तो कुछ इतने रैंक के वेरिएशन में आपको बुलाया जा सकता है। मतलब आप देखिए, मैकेनिकल में कहें हम लोग तो 1500 से लेके 1700 के बीच की अगर आपकी रैंक है, मतलब अप टू 1700 तक बुलाया जा सकता है अगर आपकी रैंक है जनरल में भी। फिर ये EWS का है, ये आपका OBC का है, ये SC का है, ये ST का है। ST का 14,000 से 15,000 रैंक है, जनरल रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, कैटेगरी रैंक की नहीं, ये सारी जनरल रैंक लिखी हुई है, भले कैटेगरी में लिखी हुई है पर है ये ऑल इंडिया जनरल रैंक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो ये जनरल रैंक ही है, आप कैटेगरी वाइज रैंक मत देख लेना, नहीं तो पता चले कि भैया कहोगे, नीचे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इतना तो रैंक ही नहीं आती है, कैसे लिख दिया है। तो ये जनरल रैंक है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसके बीच में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको बुलाया जाएगा। और फिर इसमें तो है क्या, आपको बुला लिया जाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं। क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 65% अगर आप जनरल से हो तो ये है, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 5% आई थिंक सो कम है। फिर दूसरा जो क्या है, मेडिकल होगा आपका, अगर मेडिकल और बाकी जो क्राइटेरिया है इनका, एजुकेशन क्राइटेरिया, अगर आप उसको फुलफिल करते हो दैट्स इट, फिर इसके बाद आपको दे दिया जाएगा ऑफर लेटर, हो गया काम खत्म, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बुलाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा, सिलेक्शन तो ऑब्वियसली भाई जितने लोग अप्लाई करेंगे, अब कई सारे लोगों का दूसरे जगह सिलेक्शन हो गया होगा, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसी का दूसरे जगह हो गया है, पता नहीं वहाँ पे छोड़ के आएगा नहीं आएगा, क्या चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ भी बॉन्ड है, 4 साल सर्विस करनी पड़ेगी आपको अगर सिलेक्शन होता है, तो 1 साल ट्रेनिंग और 3 ईयर आफ्टर ट्रेनिंग, 5 लाख का बॉन्ड है भैया। अगर इससे पहले छोड़ते हो तो 5 लाख रुपया आपको कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अमाउंट भी है, और भी PSUs में होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन दूसरे जगह हुआ होगा, शायद वो लोग अप्लाई ना करें, शायद वो लोग ना आए, तो एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ती है कि हो सकता है थोड़े ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन हो जाए, ठीक है।
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।